अपने ज़मीन के जो और भी जो फसल है वो भी दिखाएंगे। हैं सूरजमुखी के पौधे अभी 6 से 7 दिन इनको हो गया है। फसल जो होते हैं ना बिल्कुल नाजुक और छोटे होते हैं, इनका ख्याल लाजमी रखना। ये भी दाना लग गया लेकिन फिर भी हम ये भैंस बकरियों को दे देते हैं। मौसम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अज़ीज़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अज़ीज़ ऑफिशियल। आज हम आपको फिर से अपने खेत के बारे में आगाही देने आए हैं कि हमारे खेत में हमने क्या लगाया था, काश्त किया था पहले जो सूरजमुखी, अब उसके बारे में हम आपको ज़्यादा जो बताएंगे कि सूरजमुखी को हमने काश्त किया, इसको तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए हैं अपने फसल पे जी। लेकिन बहुत सारे काम थे, मसरूफियात भी थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कहीं जाके जो खेती बाड़ी का भी खबर चार ले लें और देख दें कि कैसा कोई कुछ हो रहा है। इस हिसाब से हम निकल आए हैं और अपने फसल पे भी हैं। और इस तरह जो मसरूफियात तो होते हैं बहुत सारे होते हैं कभी कोई कारोबार। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने वीडियो की तरफ, हम आपको दिखाएंगे कि सूरजमुखी का जो हमने काश्त किया था उसके बारे में हम आपको बताएंगे और अपने ज़मीन के जो और भी जो फसल है वो भी दिखाएंगे। तो चलें ये भी देख लें सूरजमुखी कैसा उग रहा है। अभी हम आ गए हैं ये अपने सूरजमुखी फसल पे, आपको दिखा रहे हैं ये नन्हे से पौधे। देखें ये हैं सूरजमुखी के पौधे, अभी 6 से 7 दिन इनको हो गया है, ये अभी छोटे छोटे से हैं आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत आगे जो पौधे बनेंगे और अभी तो निकल रहे हैं, 7-8 दिन अभी इनको लग जाएगा, फिर जो इंशाल्लाह 4 बार इसको लग जाएंगे सूरजमुखी को पकने और रास होने तक। तभी तक तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ता है और हमें ऐसे ही रहते हैं इनको ख्याल वगैरह करते हुए। बहुत जो नाजुक फसल कहें तो इस तरह ही नाजुक फसल होते हैं, हम इनका बहुत ख्याल करते हैं। तो फसल के हिसाब से टाइम में पानी भी देना पड़ता है, खाद भी देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है इन फसल के लिए। ये हमने घास भी लगा दिया है ज़मीन पे भैंस वगैरह के लिए चारा के लिए, और ये इनको भी हम पानी वगैरह देते हैं, जो खाद वगैरह इनको भी देना पड़ता है। इस हिसाब से हमने ये घास लगा दी है, आपको देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं बरसिंग, हमारे तो सिंधी ज़बान में बरसिंग कहते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे इसके नाम में मालूम नहीं है। ये बरसिंग है और इसके साथ जैसे जो होता है सरसों का जो फसल है वे भी लगा हुआ है। ये भी भैंस बकरियों के लिए हम देते हैं, बहुत अच्छे थे, देख लें ये भी दाना लग गया लेकिन फिर भी हम ये भैंस बकरियों को दे देते हैं। ये है गाजर की फसल है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, देखें ज़बरदस्त है। अभी ये ज़मीन तो खिड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी इसमें लगे गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखें हमने अभी निकाले हैं और ये भी अभी ये देखें हम निकाल रहे हैं, वो भाई हमारा निकाल रहा है। क्या लगाया है आपने यहाँ पे ज़मीन पे? गाजर। गाजर लगाए हुए हैं? कितने दिन हो गए इनको? 3 माह हो गए। 3 माह हो गए। अच्छा सही लग गए? सही लग गए। अच्छा वही ये लग गए गाजर, देखें आप इनको, अंकल कहता है कि 3 माह हो गए इनको लगाते, अब अच्छा सा जो बन गए हैं। इसको खाद वगैरह दिया है आपने? खाद दिया है, खाद दिया है, ये कहता है खाद भी हमने इसको दिया है। तो इसमें सारे ज़मीन खेत में लगे हुए हैं? सारे में नहीं है। सारे में नहीं है? कितने लगे हुए हैं? थोड़े में है। थोड़े में जो है भाई कहता है थोड़े में लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत टेस्ट के लिए लगाया। अच्छा कह रहा है टेस्ट के लिए लगाया था हमने, तो आपने देखा है कि ऐसे
इसने मेहनत की है और उसने अभी ये गाजर वगैरह लगा दिए हैं ज़मीन पे, और सरसों के साथ भी है। देखिए बहुत अच्छा हुआ। चलिए, आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा इंशाल्लाह, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।